स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के एसी ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम लोग फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का। और अब जैसे आपको पता है कि इस लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 2 में ढेर सारे जो ड्रग्स हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, उनके ड्रग्स के डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोगों ने बाकी ड्रग्स पढ़ लिए थे, ग्लाइकोसाइड तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टेरॉयडल ड्रग की। तो स्टेरॉयडल ड्रग को जानने से पहले हमको जानना होगा कि व्हाट इज़ द स्टेरॉयड्स, क्या होते हैं, ट्राइटरफेनॉइड्स क्या होते हैं। इस पर कुछ शॉर्ट नोट है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस पर डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और थोड़ी सी आवाज़ आपको स्लो लगेगी और आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है और इसलिए मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ आज। तो स्लाइड के द्वारा आपको क्लासेस ले रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ अगर स्लो है तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आजकल मेरी वॉल्यूम डाउन हो गई है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कि स्टेरॉयड क्या होते हैं। देखिए, आपको इसको समझना है बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, कोई भी कंपाउंड जिसमें 17 कार्बन की रिंग हो, स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्टेरॉयड्स कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये सारे कंपाउंड्स में ये आपको फेनेंथ्रीन रिंग दिख रहा है ना, इसमें क्या है कि स्टेरॉयडल आपको ये दिख रही है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है स्टेरॉयड रिंग है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें 17 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉयडल रिंग पाए जाते हैं उन्हें स्टेरॉयड्स कहते हैं। स्टेरॉयड्स जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टेरॉयड जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स और केमिकल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स में, एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स में, बाइल एसिड में, स्टेरॉल्स में, और मॉल्टिंग हार्मोन्स में, इंसेक्ट्स में, और एनिमल्स और प्लांट्स में भी ढेर प्रकार के स्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि इस टॉपिक में स्टेरॉयडल ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो एमंग द सिंथेटिक स्टेरॉयड द थेरेपेटिक वैल्यू आर अ लार्ज नंबर ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, एनाबॉलिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एजेंट एंड ओरल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिंथेटिक स्टेरॉयड है, नेचुरल स्टेरॉयड तो होते ही है, इसके साथ साथ लैब में कुछ सिंथेटिक स्टेरॉयड्स भी बनाए जाते हैं, उसमें जो उनका जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह, एनाबॉलिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग की तरह, या ओरल कंट्रासेप्टिव की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, जैसे कार्टिसोल है, कार्टिकोस्टेरॉन है, रेडोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, बीटा स्टेरॉयडियोल और टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं ये दे आर द स्टेरॉयडल इन नेचर। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग कोई पा भी ला लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। तो ग्लाइकोसाइड, जैसे आपने स्टेरॉयड देखा उसी तरह से ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, और उसमें भी जिन ग्लाइकोसाइड्स में स्टेरॉयडल रिंग्स पाई जाती है, दे आर यूज फॉर द हार्ट या CHF के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ये इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी कोलोजी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, द थेरेपेटिक दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मे बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्डियक टू ग्लाइकोसाइड एंड स्टेरॉयड हैव द स्टेबिलिटी टू एक्सर्ट स्पेसिफिक पावर एक्शन ऑन द कार्डियक मसल और इंजेक्शन इनटू मैन और एनिमल। ठीक है, इनके पास एक स्पेसिफिक पावर होती है कि अगर इनको इंजेक्शन लगाने पर, ये कार्डियक मसल पे लगाते हैं, तो ये मैन और एनिमल में एक स्पेसिफिक कंट्रक्शन पावर को शो करते हैं। ठीक है, एस वेरी स्मॉल अमाउंट कैन एक्सर्ट बेनिफिशियल स्टिमुलेशन ऑन डिजीज्ड हार्ट। ठीक है, इसका थोड़ा सा अमाउंट भी यूज़ करने पर ये डिजीज हार्ट पे काफ़ी अच्छा फिट करता है, और बहुत ज़्यादा डोज देने पर यह इंसान की मृत्यु भी कर सकता है, मे कॉज डेथ। ड्रग्स कंटेनिंग दीज ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड इन मेडिसिन प्राइमरली टू इंक्रीज द टोन, एक्साइटेबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, ये सब इसके फंक्शंस हैं, और ये कभी कभी इसके साथ साथ ही डायरेक्टिक एक्शन भी देता है, ये बारे में आपको लिखना है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली हम इसको चार क्लास में बांट सकते हैं, एपोसाइनेसी, स्क्रोफ्लोरिएसी, लिलिएसी और रेनिनकुलेसी। ये चार कैटेगरी में या अलग अलग चार फैमिली के प्लांट्स में बेसिकली ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। हम बात करेंगे थोड़ा सा ट्राइटरपेनॉइड्स की। तो ट्राइटरपेनॉइड्स क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह का 6 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर इनका निर्माण होता है। फार्माकोग्नोसी में जब आपको सिक्मिक एसिड पाथ पढ़ा रहा था, उसमें हमने बताया था कि कैसे ट्राइटरपेनॉइड्स आपस में मिलकर के निर्माण करते हैं एक दूसरे का, और 6 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर हमारा ट्राइटरपेनॉइड्स बनते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द वेरियस पॉसिबल मोड्स वेयर बाय द रिंग क्लोजर इन स्क्वेलिन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी गिव राइज़ टू द लास्ट नंबर ऑफ टर्पेनॉइड हैव अ वैरायटी ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी टर्पेनॉइड्स जो होते हैं उसमें आपस में मिलकर सारे आइसोप्रीन यूनिट्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्केलेटन, जो कि सभी ड्रग्स में नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, ट्राइटरपेनॉइड्स को भी हम लोग दो मेजर ग्रुप में बांट सकते हैं, एक होता है टेट्रासाइक्लिन एंड दूसरा होता है पेंटासाइक्लिन ग्रुप। ठीक है, जिसमें अगर चार कार्बन की चार साइक्लिक रिंग है तो टेट्रासाइक्लिक, और जिसमें पांच साइक्लिक कंपाउंड है तो पेंटासाइक्लिक, वो करीब C27 से लेकर C30 के बीच में अलग अलग स्ट्रक्चर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है, C27 वाला स्टेरॉयड का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, और C30 वाला भी है, दोनों के स्ट्रक्चर को आप लोग कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि स्टेरॉयड, ट्राइटरपेनॉइड और कार्डियक ग्लाइकोसाइड से मिलते हुए जो दो तीन ड्रग हमारे सिलेबस में है, उन ड्रग का वही पढ़ना है जैसे आप पहले पढ़ते चले आए हैं। क्या पढ़ते हैं, अब उसका बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह यूज़ वगैरह हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहला है लिक्वेरिस। लिक्वेरिस आप सुने होंगे। लिक्वेरिस क्या होता है कि मुलेठी कहते हैं, ये एक छोटी सी लकड़ी होती है, उसमें से मीठी मीठी लगती है। और ये लकड़ी जो होती है अक्सर लोग पान में खाते थे। मुझे याद है मेरे नाना जब मैं छोटा था तो पान में खाते थे इसको, और जब भी वो पान खाते थे मैं उनके पास बैठता था तो मुझे थोड़ा सा टुकड़ा काट के देते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो नाना जी नहीं है मेरे साथ फिलहाल, उनका आशीर्वाद है आज भी मेरे साथ। तो लिक्वेरिस की बात करते हैं मुलेठी की। तो मुलेठी में सिनोनिम्स, इसको ग्लाइसेरिजा भी कहते हैं, लिक्वेरिस रूट भी कहते हैं, और ग्लाइसेरिजिक रेडिक्स भी कहते हैं। तीन इसके सिनोनिम्स होते हैं। एक और पढ़ा लीजिएगा, मुलेठी भी हिंदी में कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये बेसिकली कहाँ से मिलता है, इज द ड्राइड पील्ड और द अनपील्ड रूट राइजोम द स्टोलन ऑफ द ग्लाइसेरिजा ग्लैब्रा। ये एक प्लांट है ग्लाइसेरिजा ग्लैब्रा, जिसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, उसके रूट से जो उसकी लकड़ियाँ होती हैं उसी लकड़ियों को ड्राइड रूट या जो अनरेप्ड रूट पील्ड रूट होते हैं उसको काट करके बनाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की बात करें कि कैसा होता है, तो उसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में देखिए आपको यहाँ पे कॉर्क दिखेगा, फ्लोएम दिखेगा, स्टार्च दिखेगा, फ्लोएम सेल्स हैं, ठीक है, जैसे सब में होता है, जाइलम फाइबर है, पिथ है, ये सब चीज़ें। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, टीएस कार्ड को देखा जाए तो यही सब यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तीन लेयर कितनी होती है, क्या होती है, इसको आप यहाँ से पूरा का पूरा चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। केमिकल की बात करें तो ग्लाइसेरिजा बेसिकली लिक्वेरिस या ग्लाइसेरिजा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो ग्लाइसेरिजिन, ग्लाइसेरिजमिक एसिड होता है। बेसिकली ये दोनों हमारे ग्लाइकोसाइड हैं मेजर। इसके साथ साथ इसमें ग्लाइसेरिटिक एसिड होता है जो कि इसका एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है, और ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, लिक्वेरिस लिक्वेरिस आइसोलिक्यूरिटीन, और ये सब पाया जाता है। शुगर में ग्लूकोज मेंटॉल होता है, रेजिन के फॉर्म में वोल्टाइल ऑयल की तरह, और स्टार्च भी इसमें कुछ मात्रा में मिलता है। ये आपको बिल्कुल एक्जैक्टली लिखना है। फिर इसके यूज़ की बात करें तो जो ग्लाइसेरिजा है वो एक तरह का टेमेलसेंट एंड एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि जो मुलेठी होता है वो खांसी और सर्दी के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ मास्किंग एजेंट फॉर बिटर ड्रग इन फार्माकोलॉजिकल फॉर्मुलेशन सच एज क्विनिन, एलोए, अमोनियोक्लोराइड के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। एक मास्किंग एजेंट होता है, उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए इसको हम लोग देते हैं। इसके साथ ही ये अमोनिएटेड ग्लाइसेरिजा जो होता है ये एक तरह का फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, किसी भी बेवरेज में किसी पेय पदार्थ में मिलाया जाता है, बनाया जाता है। द इनहेरेंट स्ट्रक्चर सर्फेक्टेंट एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन हेल्प टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी होती है इसके सर्फेक्टेंट एक्टिविटी कारण भी ये इसका एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर होता है। और ग्लाइसेरिटिक एसिड जो होता है वो एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है एक्टिविटी, हमारे जो हमारे एंड्रिनल ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन की तरह ये काम करता है। अदर यूज देखिए, एक्सपेक्टोरेंट डिवुलसेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सब आप इसको लिख सकते हैं। ये था हमारा बहुत प्यारा सा मुलेठी। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रक की, दिस इज कॉल्ड डायोसेरिया। डायोसेरिया का सिनोनिम यम भी इसको कहते हैं, यम, ठीक है। ये भी एक प्लांट के रूट से मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है, इट इज अ प्योर ड्राइड राइजोम पार्ट, ये किसी भी फैमिली डायोसेरियसी है, डायोसेरिया डेल्टियडा, डायोसेरिया टोकोरा, डायोसेरिया कंपोजिटा, ये तीनों प्लांट में से किसी भी प्लांट के रूट से, ड्राइड रूट से, राइजोम से बेसिकली डायोसेरिया को बनाया जाता है, निकाला जाता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी बात करें माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की, तो उसका कलर जो होता है थोड़ा सा ब्राउन होता है, आपको पता है जितने भी रूट होते हैं उसका कलर ब्राउन ही होता है। ऑर्डर ऑर्डरलेस है, टेस्ट बिटर एंड एक्रिड है, साइज वेरियस, अलग अलग साइज में आते हैं, छोटे बड़े, और उसके एज पे डिपेंड करता है कि साइज कैसा होगा, ठीक है। बाकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बात करें डायोसेरिया में, बिल्कुल आपको एज इट इज़ ही लिखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। डायोसिन होता है मेजर ग्लाइकोसाइड, डायोसेरिन एक ग्लाइकॉन पार्ट है, बाकी इसमें स्मिलाजेनिन जेनिन है, एपिल स्मिलाजेनिन है, पीटा वैमोजेनिन है, स्टार्च है, और सैपोजेनिन है, ये सब चीज़ें इसमें बायोलॉजी में पाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो आपको एक कॉपी में इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है स्ट्रक्चर का। बाकी डायोसेरिया का यूज़ क्या है, ये रूमेटिक आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेस्टेरोन और अदर स्टेरॉइड केस में यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ करते हैं, अस्थमा पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। अब अगला हमारा ड्रग है डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस क्या होता है, इसको फॉक्स ग्लो डिजिटैलिस, आपने इसको ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ा है इसके बारे में डिजिटैलिस, इसको अब यहाँ पे हम फार्माकोलॉजी में तो हमने इसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, आज हम यहाँ पे इसकी फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे कि प्लांट से कैसे मिलता है ये। तो इसका जिस प्लांट से मिलता है उसे फॉक्स ग्लो या डिजिटैलिस लीव्स कहते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो ये डिजिटैलिस पुरपुरिया के ड्राइड लीव्स से प्राप्त होता है, पत्तियों से, फैमिली है एस्क्रोफोरियासी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन एटलीस्ट 0.3% ऑफ टोटल कार्डिनलॉइड कॉल्ड एज डिजिटॉक्सिन। इसमें जो होता है बेसिकली पूरे ड्रग में 0.3% करीब डिजिटॉक्सिन होता है, जिसको कार्डिनलॉइड्स भी कहते हैं, और इसको करीब हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं मॉइस्चर के से बचाने के लिए। कलर की देखा जाए तो डार्क ग्रीनिश कलर होता है इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में। ऑर्डर ऑर्डरलेस है, टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है। इसकी साइज़ जो होते हैं फ्लैक्स के पत्तियों के लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 4-10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। सेप ओवेट लेनिकुलेट और पिटियोलेट हो सकते हैं।
बेस जिसको लीफ का डिकरेंट और डेंटोरेट होता है, अपेक्स सबक्यूट होता है, मार्जिन क्रिनेट और डेंटोरेट होता है, सरफेस जो होता है वो सब्सेंट होता है। बात करें माइक्रोस्कोपी की, अगर इसका टीयर सेक्शन पत्ती काटा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा डिजिटलिस का माइक्रोस्कोपी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। देखिएगा इसको टीयर सेक्शन काटेंगे तो आपको ऊपर कोलन काइमा दिख रहा है, बीच में जाइलम फ्लोएम पिथ दिख रहा है, आपको साइड में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस यही स्ट्रक्चर आपको सेम इट इज ऐसे इसको बनाना है। और बनाने के बाद इसको माइक्रोस्कोपी में देखा जाए तो इसमें डार्सो वेंट्रल लीफ होता है, अमीनोसाइटिक स्टोमेटा होता है, कवरिंग द ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं दोनों साइड में, जो ट्राइकोम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना साइड साइड में जो निकला है वो ट्राइकोम है। तो ये स्ट्रक्चर आप इसको जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में एग्जाम में आता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड 0.2 से 0.55 से होता है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड बेसिकली इसमें पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड है ए, ग्लाइकोसाइड बी और ग्लूकोज जिलोटॉक्सिन होता है, सेकेंडरी आर डिजिटॉक्सिन और जिटेलॉक्सिन होता है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होता है लेस स्टेबल होते हैं, बाकी पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी जो होते हैं प्रिंसिपली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके लेप के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, अगर R1 R2 जो है स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो जिटॉक्सिसिन और डिजोटॉक्सिजिन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बाकी इसका यूज़ ये है कि आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में CHF के लिए यूज़ करते हैं, आपने कोलोजी में पढ़ा है। ठीक है, ये मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसके साथ किडनी में डायबिटिक्स भी काम करता है ये। ठीक है, बाकी इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप इसको देख के लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये हमारा कैटेगरी था स्टेरॉइड्स में, हम लोगों ने 3 ड्रग डिस्कस किया आपको सिलेबस के हिसाब से। हम लोग अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वोलेटाइल ऑयल है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्लाइड में नोट्स बनाकर लेकर आएंगे, आप उसको देखिएगा और दुआ कीजिए तो मेरी तबीयत थोड़ा जल्दी सही हो जाए तो फिर मैं एनर्जी के साथ आपके साथ काम कर सकूँ। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।